इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ या तो स्ट्रेस हो या कंप्रेस्ड स्प्रिंग। एक ये स्प्रिंग की अपनी नॉर्मल पोजीशन, इस पर अभी लगने वाली फोर्स है जीरो और इसका जो एक्सटेंशन है वो भी जीरो है। फिर क्या किया आपने, इस पर फोर्स अप्लाई की और इसका एक्सटेंशन कर दिया। फोर्स आपने यहां अप्लाई की एफ, ओके, और एक्सटेंशन कितना एक्सटेंशन हो गया इसमें, यहां तक एल एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन कितना हुआ एल, तो फोर्स फोर्स अप्लाइड इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स है के इंटू एल, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आपने क्या काम किया, अब आपने थोड़ा सा इसको और आगे एक्सटेंड किया, बहुत हल्का सा, यहां तक आपने इसे एक्सटेंड किया फर्दर। कितना और एक्सटेंड कर दिया आपने, आपने इसे एक्सटेंड कर दिया डेल्टा एल, कितना डेल्टा एल, डेल्टा एल लिखा डीएल लिखा, करेक्ट। फोर्स कितनी लगी एफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है, तो कितना होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन एफ फोर्स, देखो इनटू डीएल वेक्टर, फोर्स डीएल कॉस जीरो, क्योंकि जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं उसी साइड डीएल भी है, तो डी देखो कितना बना आपके लिए, डीएल बना एफ की वैल्यू के एल डीएल, कितना बना के एल डीएल। अब टोटल वर्क डन फॉर स्ट्रेचिंग फ्रॉम जीरो टू एल, टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू को, लिमिट्स का जीरो से एल तक इंक्रीज, जीरो टू एल डी डब्ल्यू कितना है के एल डी एल, ठीक है। के यहाँ कांस्टेंट है, पहले हमने बात कर रखी है स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, जीरो से एल तक एल डी एल के एल स्क्वायर बाय टू फ्रॉम जीरो टू एल, देन वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया हाफ के एल स्क्वायर। और फिर हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि जो भी वर्क है ये, दिस वर्क गेट स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग।
तो अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सिंपल सी बात है, यू इज इक्वल्स टू हाफ के एल स्क्वायर जूल। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस, यहाँ एल क्या है, एल वो लेंथ है जितनी लेंथ खींच दी है, ओरिजिनल कितनी लेंथ है इससे कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है ये इससे डेप चेंज होता है के की वैल्यू। लेकिन यहां इस फॉर्मूले में एल क्या है, एल सिर्फ वो है जितना आपने खींचा, एक्सपेंड किया या कंप्रेस किया। न्यूमेरिकल है स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर इज कंप्रेस्ड बाय 20 सेंटीमीटर बाय बॉडी ऑफ मास के। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी व्हेन रिलीज्ड। तो पहले हम ये देखें कि जब कंप्रेस किया गया तो कितनी एनर्जी स्टोर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के, के कितना गिवन है 500 और लेंथ कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 स्क्वायर। ये तो हमें आपकी क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक मास है जो फ्रिक्शन मास सरफेस पर रखा हुआ है, कितने केजी का मास है बोलो। क्वेश्चन में कितने केजी का मास कहा गया है, 5 केजी। 5 केजी का मास है और इसे जबरदस्ती स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो जैसे ही आप छोड़ेंगे स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स इसे वापस अपनी जगह लाने की कोशिश में क्या करेगा, इस मास को धकेल देगा, इसको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी दी जाएगी, कितना ऐसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जितनी एनर्जी स्टोर है किसमें स्टोर है, स्प्रिंग में स्टोर है, वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी अगर सब कुछ 100% एफिशिएंट मान ले। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 500 इंटू 0.2 स्क्वायर, जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, स्प्रिंग की है। और अब क्या बना, हाफ हाफ तो हटा दो दोनों तरफ से, मास कितना है 5 × v² = 500 × 0.2, और अब आपका v स्क्वायर कितना हो जाएगा 500/5 × 0.2 का होल स्क्वायर, एंड v इक्वल्स ये कितना बचा 100 × 0.2 होल स्क्वायर, और v कॉमन v लेंगे तो 100 से स्क्वायर रूट 10 और ये 0.2, सिंपली कितना आंसर आएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड। ब्लॉक को छोड़ते ही वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू कर देगा।